एंड वेलकम टू वर्सेटाइल एडुकेशन सिस्टम यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि इंग्लिश में बात करते समय कुछ वर्ड्स आपको याद नहीं रहते या फिर कुछ वर्ड्स में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है? बट डोंट वरी, आपके इस कंफ्यूजन पर मेरे पास सलूशन है, यानी कि होमोफोन्स। होमोफोन्स इंग्लिश में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें वर्ड्स कैसे और कितने डिफरेंट हो सकते हैं ये बताया गया है। Homophones are the words that sounds same as another word but have different meanings. यानी कि homophones में हमें ये बताया गया है कुछ words के spellings में बहुत difference होता है और उनकी pronunciation बिल्कुल same रहती है। यही हमारे confusion का main reason है। अब यहाँ पर एक छोटा सा example लेते हैं, जैसे कि it's और its, इन दोनों its में बहुत सा difference है, पर spelling में, pronunciation में बिल्कुल भी नहीं। और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि SEAC और SEEC। SEAC का मतलब है समंदर और SEEC का मतलब है देखो। BUY buy इसका मतलब है कुछ ना कुछ खरीदना और BYE buy इसका मतलब है बाय बाय। तो ये थे होमोफोन्स। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक, कमेंट और शेयर करना, और हमारे वर्सेटाइल एडुकेशन सिस्टम इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।